रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। नामांकन के पांचवें दिन 17 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। कई प्रत्याशियों ने मानकों को तोड़ा, कई साथियों के साथ अंदर किया प्रवेश। रायबरेली जिले के कई दिग्गजों ने नामांकन कर विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक दी है। एक सदर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी आदिति सिंह नामांकन करने पहुंची। दो सदर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के आरपी यादव नामांकन करने पहुंचे। तीन ऊंचाहार विधानसभा से मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से नामांकन करने पहुंचे। चार बछरावा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से सुशील पासी। पांच सरेनी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी। छह ऊंचाहार से कांग्रेस से प्रत्याशी अतुल सिंह नामांकन करने पहुंचे। इनके साथ ही कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल कर अपने दावेदारी प्रस्तुत की है। रायबरेली बीजेपी प्रत्याशी अदिति सिंह ने किया नामांकन। अपनी माँ व बहन के साथ नामांकन करने पहुंची थी अदिति। रायबरेली समाचार से बात करते हुए अदिति ने प्रियंका गांधी पर बोला जमकर हमला। पंजाब से अपने पति अगत सैनी की टिकट कटने पर कांग्रेस को घेरा। अदिति ने कहा, बिन बाप की बेटी को प्रियंका कर रही परेशान। मेरी पति पर मेरे पार्टी से किया है। आज मैंने रायबरेली कोर्ट में नामांकन किया 182 सरेनी विधानसभा। क्या मुद्दे हैं चुनाव के? सबसे बड़ा मुद्दा तो जानवरों का ही आप देख ही रहे हैं। और जहां जहां तक अभी ना पेंशन बन पाई है, ना कॉलोनी जिसको मिलना चाहिए उसको मिल पाई है, जनता काफ़ी परेशान है। यही मुद्दे हैं जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पार्टी के साथ मिलकर इस मुद्दों को जो भी है उनको मैं दूर करूंगी और पार्टी के साथ पूरा करूंगी। कांग्रेस पार्टी का स्लोगन है महिला लड़कियों लड़ सकती हूँ, तो क्या महिलाएं जुड़ रही हैं कांग्रेस से? बहुत जुड़ रही हैं, क्योंकि ये जो हमारी दीदी का नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो बेटियों को हिम्मत और हौसला देने के लिए, जागरूक करने के लिए ये नारा एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। अगर बात करें स्थानीय मुद्दों की, तो क्या प्रमुख मुद्दे हैं स्थानीय? सबसे बड़ी समस्या इस समय जानवरों की है, जो किसी को ना सोने देती है ना खाने को देती है। और भी दो दो किलोमीटर से अभी महिलाएं पानी ला रही हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में तो कोई अभी गया ही नहीं। जनता के बीच में जब आप जाती हैं तो कैसे रुझान देखने को मिलते हैं, कैसी बातचीत होती है लोगों से? लोगों के बीच में बैठकर उनको अपनापन देकर, उनका अपनापन महसूस करके मुझे पता चलता है कि जो हमारी माननीय प्रियंका जी ने आगे आकर महिलाओं को एक समर्थन और पूरा सहयोग देने का वादा किया है, तो वो मैं जाकर उनको पूरा जागरूक करती हूँ, बताती हूँ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप में वो ऊर्जा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको बिगड़ दिया है, जीतने के बाद क्षेत्र में किस तरीके से विकास करेंगे आप? मैंने आपको बताया ही कि जो जो समस्याएं हैं वो पार्टी के साथ मिलकर और पार्टी की योजनाओं को ले जाकर उन समस्याओं को मैं दूर करूँगी। ठीक है, हार्दिक बधाई जिंदाबाद सुधा दुबे जी मनोज दुबे।